औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर जो है मैंने जो इनिशियल पे स्केल और इनिशियल बेसिक पे के हवाले से जो एक वीडियो शेयर की थी, उसमें इनिशियल पे स्केल का लफ्ज़ है और ऑफ़ द एम्प्लॉय है। इनिशियल स्केल जो नॉर्मली हमारा ये होता है कि 30/6/2022 या 1 जून से है, तो तमाम साथी ये जहन में रखें, पंजाब के हवाले से जो पंजाब के एम्प्लॉयज़ का इनिशियल पे स्केल के हवाले से ये चीज़ आ रही है, उसमें डेफिनेटली 50% से भी कम नीचे चला जाएगा काम। वफाक समेत तमाम सूबों के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि अगर ये जो इजाफा पंजाब के अंदर जो है इनिशियल पे स्केल के ऊपर अगर हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसको फॉलो जो है ये कर जाना है वफाक ने भी और केपीके और दूसरों ने, जबकि बड़ा क्लियर कट था कि 2022 का जो हमारे लिए नए पे स्केल चल रहे हैं उसके ऊपर होगा, जो करंट बेसिक पे चल रही है उसके ऊपर। तमाम मुलाजमीन जो हैं पंजाब के मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पे मेरा ये पैगाम है, हमेशा बात होती है बैठ के, जो एहतजाज में आता है वो तो कभी ये बात ही नहीं करेगा, उसको पता है कि वफाक के साथी कितने मेहनत कर रहे होते हैं या रहमान बाजवा या दीगर कायदीन, तो जो बंदा मौजूद होता है वो तो ये बात कर ही नहीं सकता। हाँ, जो घरों में बैठे हुए हैं उनको ये बड़ा मसला होता है कि जी वो इस्तेमाल हो गया या फलाना इस्तेमाल हो गया, तो आपने निकलना है पंजाब के मुलाजमीन के लिए, ये मेरा मैसेज है कि अपनी ज़ात के लिए निकलना है। तमाम सूबों के मुलाजमीन के लिए ये मेरा मैसेज है कि ये इनिशिएटिव जो हम वफाक से लेते थे उसका बेनिफिट सूबों में मिलता था, अब क्योंकि ये शुरली पंजाब से चलाई गई है तो हमें वहाँ पे 35% और उसके साथ साथ अगर हम पंजाब के अंदर उस इनिशियल को रनिंग पे करवा लेते हैं, जो नोटिफिकेशन जुलाई के अंदर होना है, तकरीबन 7 जुलाई को होता है, अब तो टाइम ही इसके अंदर कम रह गया, चीज़ें उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी, जून और जुलाई, बिल्कुल वी आर टू लेट, ये चीज़ें क्लियर होती हैं जैसे ही नोटिफिकेशन तो इसके अंदर निकलेंगे। मगर एक चीज़ बहुत क्लियर है, पंजाब हो वफाक हो या जहाँ पर भी हो, किसी सूरत में इसके ऊपर जो है समझौता हम लोगों ने नहीं करना, पंजाब के मुलाजमों ने खुद निकलना है। जो ये समझता है कि जी यहाँ से एक बड़ी तादाद आ जाएगी तो एक जहाँ पे कॉमन काज होता है तो वहाँ पे तो साथी निकलते हैं, तो ये तमाम साथियों ने अपने कॉमन काज के लिए जाना है। 8 से 9 लाख पंजाब का मुलाजिम है, आप सब के लिए मैसेज है कि जो रिलीफ मिलना है आपको, रिटायरमेंट तक साथ रहना है, एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, जो रिलीफ मिलना है रिटायरमेंट तक साथ रहना है, और जो पेंशन के अंदर 5% इजाफा हुआ है उन पेंशनर्स के लिए ये मैसेज है कि आपके जो बच्चे जिनके तो नहीं है बेचारे इंडिपेंडेंट हैं डिपेंड कर रहे हैं पेंशन पे, वो नहीं, जिन मेरे समेत, क्योंकि मेरे घर के बिल जो हैं वो मेरे वालिद साहब की पेंशन से जाते हैं, मेरे बच्चों की फ़ीस भी पेंशन से जाती, तो पंजाब का जो मुलाजिम अपने माँ बाप की पेंशन ले रहा है या उनके बच्चे जो मुलाजिम नहीं भी है ये जा रहे हैं, तो पेंशनर्स का काम है कि वो अपने बच्चों को कहे कि पुत्र अगर पेंशन खाते हो तो बाहर निकलो, जो 5% हुआ है इसको 17.5% करवा के लेके आओ। हर सूरत में हर मुलाजिम ने निकलना है, वफाक से मैं, वफाक के दीगर कायदीन और वफाक के तमाम मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि आपने अपने पंजाब के भाइयों के साथ खड़े होना है। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अगर पंजाब के साथियों को हम बचा जाते हैं रनिंग पे पे और ले आते हैं, तो फिर पे एंड पेंशन के अंदर पेंशन इस्तलाहत तो आ रही हैं, पे किधर गई, जिसके अंदर हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस है और उसके बाद जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है उस की तरफ हमने जाना है। तो इस मैसेज को शेयर करें, ख़तरनाक तरीन चीज़ मैं इसको ले रहा था 2022 के पे स्केल्स के ऊपर, इनिशियल पे स्केल जो है अगर ये आ रहा है तो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। पंजाब के मुलाजमीन भरपूर तरीके से तैयारी पकड़ें, और जो अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं,
मैं एक दफा फिर से कहूंगा कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे बहुत सी यूनियंस एसोसिएशन इकट्ठा हैं जो छोटी छोटी परचून की दुकानें लगा के बैठे हुए हैं। खुदारा मुलाजमीन को तकसीम ना करें, आते हैं नारा मारते हैं ये काम हो गया वो हो गया, पीछे पता ही नहीं चलता और मुलाजिम बेचारा कहता है कि काम हो गया, अगर हो जाए तो ठीक है। तमाम मुलाजमीन तैयारी रखें, इकट्ठे जब तक नहीं होंगे आपके मामलात हल नहीं होने। इंशाल्लाह ताला मैं खुद सफ़े अव्वल में पहले भी रहा हूँ पंजाब के अंदर, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। किसी सूरत में पंजाब को हम इनिशियल बेसिक पे के ऊपर जो है नहीं जाने देंगे, आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया।